हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रशिता शो। आज बात करते हैं बच्चे के प्ले स्कूल के बारे में कि बच्चे को प्ले स्कूल कौन सी एज से आपको भेजना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल में जाने के लिए रेडी है। क्योंकि होता क्या है कि प्ले स्कूल जाने की यूजली जो एज होती है वो होती है 2 से 2.5 साल, बट कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे उस एज तक भी प्ले स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो आपको देखना है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें मैं आगे बताऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका रेडी है तो उस केस में आपको बच्चे को प्ले स्कूल भेजना चाहिए, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्ले स्कूल भेजने के, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों आपको प्ले स्कूल जो है बच्चे को भेजना ज़रूरी है। और प्ले स्कूल जब आप बच्चे के लिए चूज़ कर रहे हैं कि कौन से प्ले स्कूल आपको बच्चे को भेजना है, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट्स, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियोज़ पोस्ट होते हैं आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बात करते हैं प्ले स्कूल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी एज से आपको बच्चे को प्ले स्कूल भेजना होता है, मतलब कौन सी ऐसी उम्र है जब बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तो जो काफ़ी सारे स्कूल्स का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 2 से 2.5 साल के बीच में आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, या आपके बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन हो सकता है। वो भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है थोड़ा सा, या आप जिस सिटी में रहते हैं उसका भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो 2 से 2.5 साल की एज में बच्चे को प्ले स्कूल के लिए एडमिशन दे देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे में देखनी है और आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। सबसे पहले तो 2 साल की उम्र से पहले जो है बच्चा घर में ही होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चे घर में ही होते हैं। दोनों पेरेंट्स को कुछ अगर वो दोनों वर्किंग हैं और आपका बच्चा बाहर क्रच वगैरह में रह रहा है तो वो केस थोड़ा सा अलग होता है। अदरवाइज 2 साल से पहले तक बच्चा जो है घर में ही होता है, पेरेंट्स के साथ में रहता है या अपनी फैमिली के साथ में रहता है, और ये उसकी लाइफ के लिए एक नया फेस होता है जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए इस टाइम पे, जो बच्चा जो है पेरेंट्स को छोड़ के स्कूल जा पाए। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि आपका बच्चा थोड़ा सा बता पाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। होता क्या है कि 2 साल की एज तक भी कई बार ये बच्चे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा बात इतना कर लेते हैं कि अपना जो बेसिक नीड्स हैं वो बता पाएँ। और बहुत ज़रूरी है कि वो किसी और को ये एक्सप्लेन कर पाएँ, जैसे कि उनको भूख लगी है, उनको अभी खाना खाना है, या फिर उनको प्यास लग रही है, उनको पानी पीना है, या फिर उनको टॉयलेट का यूज़ करना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चा एक्सप्लेन कर पाए किसी को, जिससे कि जो सामने वाला है उसकी हेल्प कर पाए। तो अगर आपका बच्चा बता सकता है कि उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है, उसको टॉयलेट यूज़ करना है, तो आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर बात करते हैं, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अब अगर आप बच्चे को पार्क वगैरह लेके जाते हो, या आप सोसाइटी में रहते हो और आप पार्क वगैरह में या काफ़ी सारे बच्चों के साथ में बच्चा जो है खेलता है, तो दैट मीन्स वो ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो बाकी बच्चों के साथ में खेल सकता है, बाकी बच्चों के साथ में एक्टिविटी कर सकता है। अगर आपका बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके अलावा थोड़ा सा एज ए सोलो प्लेयर भी बच्चे को काम करना होता है स्कूल में, मतलब अकेले भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जैसे कि उसको खुद से कलरिंग करना है, या पेंसिल यूज़ करना है, या सपोज़ टॉयलेट के लिए जाना है, तो मतलब कुछ चीज़ें उसको खुद भी करनी है। अब अगर आपका बच्चा घर में थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ के खेल सकता है, या कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, या थोड़ा बहुत कलरिंग वगैरह उसने स्टार्ट कर दिया है, दैट मीन्स आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना फिज़िकल स्टेमिना भी बच्चे का देखना होता है, क्योंकि 2 से 2.5 साल की एज तक भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब आप देखोगे कि आप एकदम से बाहर बच्चे को लेके गए हो तो कुछ बच्चों को कोल्ड हो जाता है, कुछ बच्चों को कफ हो जाता है, कुछ बच्चे थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा के साथ में ऐसा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बच्चे को जो है मैच्योर होने दीजिए, मतलब अगर आप 3 साल तक भी वेट करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिज़िकली अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बट अगर आपका बच्चा हेल्दी है, अगर आपको बच्चे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चा बाहर जाता है फिज़िकली बिल्कुल फिट है, बाहर जाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई सेंसिटिव नेचर नहीं है बच्चे का, तो उस केस में भी आपका बच्चा जो है प्ले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो देखना है कि बच्चे का पूरा दिन का शेड्यूल। अब कुछ बच्चों के साथ में क्या होता है कि बच्चे एक परफेक्ट टाइम पे सुबह उठ जाते हैं, जैसे सपोज़ बच्चा 8 बजे उठ रहा है तो 8 से 8:30 बजे तक बच्चा उठ जाता है, और ऐसे करते करते पूरा दिन का रूटीन उसका ऑलमोस्ट सेट है, मतलब आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बच्चे का रूटीन बिल्कुल सेट चल रहा है तो भी बच्चा जो है प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। बट कुछ बच्चों के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कुछ बच्चे क्या है कि इस एज में भी, मतलब 2 से 2.5 साल में भी, कभी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, कभी बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, कई बच्चे का सोने का शेड्यूल बहुत लेट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बच्चे का भी शेड्यूल प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे का शेड्यूल पहले फिक्स कीजिए, मतलब बच्चा थोड़ा सा रूटीन में आ जाए। क्योंकि होगा क्या है कि अगर अभी तक बच्चा रूटीन में नहीं है और एकदम से आप उसको स्कूल भेजोगे तो उसको सुबह उठने में प्रॉब्लम आएगा, और बच्चा स्कूल में एक्टिव नहीं रह पाएगा। वो ठीक है कि 1-2 महीने के बाद उसका शेड्यूल बन जाएगा, बट फिर भी एडमिशन से पहले आप थोड़ा सा शेड्यूल बच्चे का बना दीजिए ताकि जब वो स्कूल जाए तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक्टिव रहे, उसको जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा ना आए। फिर थोड़ा सा ये भी आपको देखना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी 2 साल से पहले तक की एज में बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ ही इन्वॉल्व रहता है, तो थोड़ा सा आपको बच्चे का ये भी नेचर देखना है कि अदर पीपल के साथ में, मतलब बाकी लोगों के साथ में बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल फील करे, थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, तो तभी वो अपने टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो भी उसके क्लास में उसके क्लास फेलो होंगे उनके साथ में कंफर्टेबल रह पाएगा। तो वो भी थोड़ा सा आपको बच्चे को देखना है। जैसे आप, मैंने कहा जैसे बच्चों को पार्क लेके जा रहे हैं या बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं या थोड़ा सा नेबर्स वगैरह के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आपका बच्चा बाकी लोग के साथ में अच्छे से बात कर पा रहा है, अगर बिल्कुल सोशली कनेक्ट हो पा रहा है सबके साथ में, तो भी आपका बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर हैं तो डेफिनेटली बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो 2 से 2.5 साल की एज हो गई और ये कुछ फैक्टर्स हो गए, अगर ये सब हैं बच्चे के अंदर तो आप बिल्कुल प्ले स्कूल बच्चे को भेज सकते हो। आप थोड़ा सा बेनिफिट्स के यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्ले स्कूल भेजने के। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चे को प्ले स्कूल भेजने के। एक तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाता है, अभी तक उसके काम जो है सारे आप ही कर रहे थे, बच्चा बिल्कुल डिपेंड हो जाता है आपके ऊपर हर एक चीज़ के लिए। खाना हो गया, टॉयलेट हो गया, अगर बच्चे को एक छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है, सब उसको कलरिंग भी करनी है, तो भी वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड रहता है। बट जब वो स्कूल जाता है तो वो काफ़ी चीज़ें खुद से करता है, या स्कूल में टीचर्स या बाकी लोग उसको हेल्प करते हैं कि वो खुद से चीज़ों को कर पाए, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो सोशली कनेक्ट हो पाता है टीचर्स के साथ में, बाकी बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाता है। पेरेंट्स से कनेक्ट थोड़ा सा कम होता है, जो कि इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे का टाइम जो है उसको स्कूल में ही स्पेंड करना है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम होता है जब बच्चे को थोड़ा सा स्पेस आपको देना चाहिए, तो सोशली कनेक्ट होगा बच्चा। और उसके अलावा स्कूल्स में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कराई जाती हैं जो हम घर पे बच्चे को नहीं करा पाते हैं, जिसे बच्चे के मोटर स्किल्स जो है डेवलप होती हैं। और जैसे स्कूल में स्पेशली एक पैटर्न सेट होते हैं, बच्चे को जंपिंग कराया जाता है, बच्चों को डांसिंग कराया जाता है, जिससे उनका जो पूरा बॉडी है वो अच्छे से काम करता है। बच्चे के पाम्स वगैरह की एक्सरसाइज कराई जाती है, मतलब जैसे कि बच्चों को सैंड से खेलना, तो बच्चों के हैंड्स काफ़ी मूवमेंट करते हैं। और उसके अलावा बच्चों को कलरिंग कराया जाता है, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, काफ़ी तरह के ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट कराए जाते हैं जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बच्चे के हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इस टाइम पे स्कूल्स का पैटर्न होता है कि बच्चे को किस तरीके से हमें डेवलप करना है, बच्चे के माइंड को किस तरीके से डेवलप करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे को प्ले स्कूल जाने में हेल्प मिलता है। प्ले स्कूल जाने पे बच्चे का जो लैंग्वेज स्किल है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे को राइम्स वगैरह सिखाते हैं, बच्चे को स्टोरी सिखाते हैं, बच्चा जो है और बच्चों को सुनता है, खुद बोलता है, टीचर जो बोलते हैं उनको सुनता है, उनको ऑब्जर्व करता है, तो काफ़ी हद तक बच्चे का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इनफैक्ट इस एज तक भी, मतलब 2 से 2.5 साल तक की एज तक भी, कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे बोल पाते हैं या बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बच्चे नहीं बना पाते हैं। पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे और बच्चों के साथ में बात करते हैं, तो उनका जो बात करना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो वो भी देखा गया है, इस वजह से भी बच्चे को प्ले स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है बच्चे का जब बच्चा स्कूल जाता है। उसके अलावा बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है तो बच्चा अपनी चॉइसेस भी इस टाइम पे बताता है, या चॉइसेस बनानी इस टाइम पे बच्चा सीखता है। होता क्या है कि इस टाइम से पहले तक बच्चा आपके पास ही था, तो जो चीज़ आप उसको बोलते थे या जिस अकॉर्डिंग भी, मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही इस टाइम तक बच्चा चलता है,
बट जब बच्चा प्ले स्कूल जाता है तो उसके बाद में बच्चा थोड़ा सा सीखता है कि किस बच्चे के साथ में उसको ज़्यादा बैठना है, या किस बच्चे के साथ में ज़्यादा बात करनी है, या किसके साथ में बैठ के लंच करना है, या कई बार कौन सी एक्टिविटी है जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है, या सपोज राइड्स वगैरह भी लेने हैं तो कौन से वाला राइड है जो उसको लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस वो बनानी सीखता है इस टाइम पे अपनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आपको बच्चे को प्ले स्कूल भेजना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि प्ले स्कूल जब आप बच्चे को भेज रहे हो तो प्ले स्कूल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बच्चे के लिए। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि प्ले स्कूल जो है आपके थोड़ा सा नियरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा अभी प्ले स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में ही अगर उसका टाइम निकल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी एज है इस टाइम पे। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास ही प्ले स्कूल में बच्चा जा पाए। फिर वहाँ जाके आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वगैरह देखिए, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मतलब एसी वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, या थोड़ा सा आप स्कूल देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चा जो है आपका बिल्कुल सेफ है बच्चा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ आपको देखनी चाहिए स्कूल जाके। फिर टीचर्स की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने छोटे मोटे प्ले स्कूल रहते हैं उसमें कई बार बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि एक वेल क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए आपके बच्चे को एंटरटेन करने के लिए, तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का आप ध्यान रखें। उसके अलावा सिलेबस भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इनफैक्ट प्ले स्कूल में भी इनका प्रॉपर सिलेबस होता है कि कौन से मंथ में बच्चे को कौन से एक्टिविटीज़ या कौन से राइम्स या क्या क्या चीज़ वो कराएंगे, या पूरे साल में मतलब थ्रू आउट द ईयर क्या क्या चीज़ें बच्चे को कराएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी, बच्चा किस तरीके से आएगा, किस तरीके से जाएगा, बच्चे का स्कूल से जब डिपार्चर होना है तो किस तरीके से होना है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स वगैरह बन रहे हैं, या बच्चे को कोई भी तो पिक करके नहीं लेके जा रहा है, लंच वगैरह की स्कूल में क्या फैसिलिटी है, और वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बार देख लेनी चाहिए जब आप प्ले स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। बट मैं कहूँगी कि अगर आपका बच्चा रेडी है 2 से 2.5 साल में, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए पहले कि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेडी है, तो मैं कहूँगी ज़रूर आपको बच्चे को प्ले स्कूल भेजना चाहिए। क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर पे बच्चे को करा रहे होते हैं, बट फिर भी एक स्कूल एनवायरनमेंट बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, एक अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ में कुछ देर के लिए बैठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर जब बच्चे को बड़े हो गए स्कूल ही जाना है, तो ये एक अच्छी एज होती है जब बच्चे को उस रूटीन में सेट कर दिया जाए, उस रूटीन में बच्चे को ढाल दिया जाए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।